हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और मैं हूं भावना, और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक हॉल वीडियो। और आपको बताने वाली हूं मैं अंडर 299 की मैं कुर्तीज़ लेकर आई हूं, और मैं आप उसका आज आपको आपके आगे रिव्यू करने वाली हूं। और ये जो कुर्तीज़ हैं ये अमेजोन की कुर्तीज़ हैं। मुझे लगा कि अब समर आ गया और सब लोग आजकल जो है, सब लोग का तो मुझे नहीं पता, बट मैं आजकल सिर्फ और सिर्फ जो शॉपिंग कर रही हूँ वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में जाना मेरे पति ने मेरा बैन करा हुआ है। इवन मैं आपको बता दूँ, मेरी मार्केट्स खुल चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम मुझे अलाउ नहीं है मार्केट में जाना। इसीलिए मैं जो आजकल शॉपिंग कर रही हूँ वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के आगे रिव्यू करने वाली हूँ 299 की कुर्तीज़ का। और आप पूरा मैंने जो है वो 5 कुर्तीज़ मंगाई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ मैंने मंगाई तो 5 कुर्तीज़ हैं, लेकिन जो कॉम्बोज थे मुझे उनकी कुर्तीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने इंडिविजुअल 5 कुर्तीज़ मंगाई है। और मैं वन बाय वन आपको दिखा दी रहूँगी कि वो कौन सी कुर्ती है। तो जो फर्स्ट कुर्ती है वो ये है, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, अमेजोन से है ये, और ये कुछ इस टाइप के पैकिंग में आई है। फिर इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन में है। और अब मैं आपको कुर्ती खोलकर दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप की कुर्ती है। और स्लीव्स इसकी प्लेन है, और यहाँ पर आपको ये टिप पर आउटलाइन दी हुई है, और ये डार्क पिंक कलर है। आपको इसके अंदर ये रेड नजर आ रहा होगा, देखिए पास से ये पिंक कलर का डिजाइन है। तो चलिए फिर पहले मैं आपको इस कुर्ती की डिटेलिंग दे देती हूँ। अगर कुर्ती के डिजाइन की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम मौसम है, बहुत ही सुंदर है, डिजाइन एकदम यूनिक है। और ये 299 रुपीस की कुर्ती है, और ये जो मैंने साइज में नाम मंगाया था ये एक्सल था, बट एल भी चल जाता। और गाइज मैंने जो कुर्तीज परचेज करी है वो 5 कुर्तीज परचेज करी, और मैं एक एक करके सारी कुर्तीज़ का आपको रिव्यू दूंगी। और ये जो जितनी भी कुर्तीज़ हैं ये सारी 299 वाली ही कुर्तियाँ हैं मेरे पास। एक्चुअली मुझे भी लग रहा था कि मुझे ये कुर्तियाँ बहुत प्रिंट वाइज बहुत सुंदर थी, अगर डिज़ाइन की बात करें बहुत प्यारी थी। मेरा भी काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि मैं कुर्तीज़ को देखूँ कैसी है परचेज करके। और चलो फिर नेक्स्ट कुर्ती की बात करते हैं। नेक्स्ट कुर्ती को ये सी ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में है, आप देख सकते हैं अगेन इसमें 1/4 स्लीव्स है, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है इनके। अगर इसके दामन की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका दामन है, और ये कलर ना बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अगेन ये कॉटन स्टफ के अंदर नहीं है, ये पॉलिएस्टर है। तो मे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब समर के अंदर अगर वो कॉटन ना पहने तो थोड़ा एलर्जी हो जाता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी समर में सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही वेयर करती हूँ, या फिर हॉजरी, क्योंकि जितनी भी टॉप वगैरह होती हैं हॉजरी में होती है। इवन मेरे पास तो 2 कुर्तीज़ भी हैं जो हॉजरी के अंदर है। तो अगर कलर डिज़ाइन की बात करें तो बहुत सुंदर है, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही प्यारा है। बट अगर स्टफ़ की बात करें तो ये प्योर कॉटन या लीलन नहीं है, ये एक पॉलिएस्टर है, थोड़ा समर के लिए थोड़ा सा गर्मी वाला है। लेकिन वैसे अगर प्रिंट वगैरह बहुत सुंदर है, अगर आप बाद में समर के बाद इसको वेयर करना चाहें तो आप इसको वेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर भी लगेगा। तो चलिए फिर मैं आपको इसको वेयर करके दिखा। और सीरियसली मैं पता है क्या चाहती हूँ ना, कि मैं जिस भी चीज़ का आप लोगों के आगे रिव्यू करूँ एक दिन जेन्युइन रिव्यू करूँ, ताकि आप भी ये ना बोले मंगवाने के बाद कि बोला ये था और ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ जितनी भी चीज़ों का रिव्यू करती हूँ एकदम जेन्युइन करती हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट कुर्ती की बात करते हैं। नेक्स्ट कुर्ती मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगाई थी, और उन्हें इवन कलर में बहुत ज़्यादा पसंद भी है,
तो चलिए, इसका साइज बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं आपको इसको वेयर करके नहीं दिखाऊंगी। ये ट्रिपल एक्सएल साइज है, वैसे मम्मा को डबल एक्सएल आ जाता बट डबल एक्सएल वहां पर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ट्रिपल एक्सएल मंगा लिया था। मम्मा बोली मैं ऑल्टर कर लूंगी और मम्मा ये कुर्ती रख लेंगी। वो बोल रही थी कि जैसे मतलब दूसरा जब सीजन आएगा, विंटर आएगा या अक्टूबर नवंबर के टाइम में मैं पहन लूंगी, मुझे कुर्ती बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही सुंदर डॉल प्रिंट हो रहा है और मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ। और स्लीव्स की बात करें तो इसकी बिल्कुल प्लेन स्लीव्स है और यहाँ पर अगेन पर्पल कलर में पाइपिंग लग रही है, दोनों ही स्लीव्स में सेम है। और बैक इसका बिल्कुल प्लेन है और ये कुछ कुछ मल्टी कलर सॉर्ट आउट कुर्ती है और ये बहुत सुंदर भी लग रही है। इवन आप देख सकते हैं तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की। और नेक्स्ट कुर्ती मेरी फेवरेट है, मुझे इसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, बहुत सुंदर लग रही है इवन। और इसके ऊपर कुछ ये फ्लावर वाला प्रिंट है मुझे ना वहां पर थोड़ा लाइटिंग इश्यू लग रहा था तो मैं इधर आ गई ताकि आपको कलर बिल्कुल अच्छे से पता लगे और रिव्यू जो जाए एकदम परफेक्ट जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो। हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिव्यू दिखाने का यही है कि हम जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करें एकदम जेन्युइन करें ताकि आप उस पर अगर प्रोडक्ट को मंगवाएं तो आपको ये ना लगे कि हाय वो उन्होंने ऐसा कहा था बट ऐसा नहीं है। तो मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू करूंगी। देख सकते हैं इसमें बहुत सुंदर फ्लावर प्रिंट है, अगेन ये पॉलिएस्टर के अंदर है लेकिन कुर्ती बहुत ही सुंदर है, कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं इसके। ये देखिए और ये कुर्ती मेरे साइज में है, मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी कि इसको पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है। बैक से अगेन ये बिल्कुल प्लेन है और ये कुर्ती बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इसको व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हैं। इवन जितनी भी मैंने कुर्ती मंगाई है तो उनमें व्हाइट कलर तो कॉमन ही है, आप व्हाइट कलर में, रेड कलर में इसको वेयर कर सकते हैं। और ऑफिस गोइंग के या कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि हमें कॉलेज, जब मैं भी कॉलेज और ऑफिस जाया करती थी तो हमें रोज रोज नए नए कपड़ों की जरूरत पड़ती थी और बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ती थी। तो अब बात करते हैं मेरी लास्ट कुर्ती की और ये वाली कुर्ती पहनकर ही मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। अब बात करते हैं मेरी लास्ट कुर्ती की। लास्ट कुर्ती येलो कलर में है, मेरी सिस्टर को काफी ज्यादा पसंद थी तो ये उसने बेसिकली अपने लिए मंगाई थी। और इसका भी प्रिंट बहुत ही प्यारा सा, एकदम यूनिक सा डिजाइन है, आप देख सकते हैं येलो कलर की इसकी स्लीव्स है और अगेन यहाँ पे डार्क पिंक कलर का आउटलाइन हुई हुई है और नीचे से कुछ इस टाइप का बॉर्डर दिया हुआ है क्रीम कलर में। और ये कुर्ती भी बहुत ही प्यारी है, ये पीछे का इसका बैक पूरा प्लेन है और ये पॉलिएस्टर के अंदर ही है बट बहुत प्यारी लग रही है, डिजाइन बहुत सुंदर है। आप इसको भी व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ कैरी कर सकते हो। और मैं आपको ये अगेन वेयर करके दिखाऊंगी और आप लोग मुझे बताना कि इन सब कुर्तियों में से आपको सबसे प्यारी कुर्ती कौन सी लगी, कौन सी कुर्ती है जो आपकी फेवरेट है। तो चलिए फिर मैं पहनकर दिखाती हूँ आपको।
आता है क्या पानी? तो ये हॉल वीडियो हो गया मेरा पूरा और मैं आपको ऑलमोस्ट सभी कुर्तीज का रिव्यू दे चुकी हूँ। 5 कुर्तीज थी ये और ये है अंडर 299, इवन ईच कुर्ती 299 में है। अगर आप इसका कॉम्बो परचेज करें तो आई थिंक ये आपको 250 में पड़ती है कुर्ती, बट मैंने कॉम्बो नहीं परचेज करा क्योंकि कोई भी कॉम्बो ऐसा नहीं था जिसमें मेरी सारी पसंद की कुर्तियाँ हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपकी हो। मैंने ये सब अलग अलग मंगवाई हैं और आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कुर्ती कैसी लगी है। और अगर आपको आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट करें। थैंक यू।